faccia che ho fatto nello specchio di quest'altro te. Perciò, caro. अलवरगढ़ थाना अंतर्गत धोलावाटा इलाके में रहने वाला एक युवक फेक कॉल का शिकार हो गया। युवक ने फेक कॉल करने वाले के अकाउंट में 1,30,000 रुपए जमा करा दिए। पीड़ित धोलावाटा संत लीलाशाह कॉलोनी निवासी दीपक लखानी ने बताया कि 2 सितंबर को उसके फोन पर एक महिला कस्टम अधिकारी का फोन आया और उसने कहा कि आपका कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा लेकर आया है, जिसे छोड़ने की एवज में 35,000 और 95,000 रुपए अपने खाते में डालने की बात कही, जिस पर पीड़ित दीपक लखानी ने घबराकर फर्जी कस्टम अधिकारी के खाते में राशि जमा करवा दी। इसके बाद फर्जी अधिकारी का दोबारा फोन आया और उसने 3,00,000 रुपए की फरमाइश कर दी, जिस पर दीपक लखानी ने मामला समझते हुए अपने आप को ठगी का शिकार होना पाया और महिला अधिकारी को राशि जमा कराने से इनकार कर दिया। बहरहाल पीड़ित दीपक लखानी ने फर्जी कस्टम अधिकारी के खिलाफ उसके फोन नंबर के आधार पर अलवरगेट थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे पास 2 तारीख को फोन आया था शाम को 6 बजे करीबन कि मैं एयरपोर्ट से बोल रही हूँ और आपका कोई मेहमान आया बाहर से, अंग्रेज है, और उसके हाथों हमने करेंसी बरामद करी है, फॉरेन की करेंसी है जो उसने शो नहीं करी थी। इसलिए आप अगर इस परेशानी से बचना चाहते हो तो आप मेरे को 35,000 रुपये कल इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। तो मैं भी घबरा गया, भेज दिए 35,000। फिर मैंने शाम को उनको नेक्स्ट डे उनको ट्रांसफ़र किए, फिर उनको मैंने बात करी, मैंने आप क्या कुछ परेशानी है, कुछ कहाँ से रिलीज़ करो तो मैं उसको जयपुर एयरपोर्ट पर लेने जाऊँ। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं अभी इसको आगे किसी और डिपार्टमेंट ने रोक लिया है, उस वहाँ से फ्री होने के 95,000 फिर चाहिए तो बंदा वहाँ से निकल सकता है, अदरवाइज आप परेशानी में आ जाओगे। मेरे को डराया, बहुत डराया, हद से ज़्यादा डराया कि मैं बहुत ही नर्वस सा हो गया था, मैं कहाँ से लाऊँ। इधर उधर व्यवस्था करी, उनको ट्रांसफ़र किए, अकाउंट नंबर ऑनलाइन किए मैंने, दोनों पैसे मैंने ऑनलाइन किए थे इनको। पर उसके बाद फिर मेरे को बोला, फिर तीसरे दिन बोला कि नहीं अब आप ऐसा करो, अभी वो पार्टी जो है ऑफिसर मान नहीं रहा है, कम से कम 3,00,000 रुपये से कम भी आपका सेटल नहीं होगा केस, 3,00,000 रुपये आप इस अकाउंट में जमा करो जो आपको जिसमें आपने पहले जमा करवाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपका आदमी आराम सुरक्षित आपके घर तक पहुंच जाएगा। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा इतना अरेंजमेंट, मैं ये भी बहुत बड़ी मुश्किल से किया है। तो उन्होंने बोला नहीं तो फिर आपके यहाँ पे हम अफसरों को यहाँ पे बता देते, वो आपके घर पे आएंगे और आपको जो भी है उनकी कार्रवाई आपके ऊपर आएगी, सारी परेशानी आपके ऊपर आएगी। अगर बचना चाहते हो तो आपको 3,00,000 के किसी भी हालत में जमा कराना ही पड़ेंगे। मैं तो नहीं कराऊंगा, मेरे पास है भी नहीं अभी। फिर मैं SP साहब के गया था, अपनी सारी घटना जाके उनसे मैंने बताई कि मेरे को ऐसे ऐसे परेशान किया जा रहा है। मैं SP साहब के पेश हुआ था 12 तारीख को, अभी 12 सितंबर को, 2 तारीख को दोनों को पहला फ़ोन आया था मेरे पास। आपने कैसे पैसा जमा कराया? ऑनलाइन जमा करवाया था मैंने। कितना पैसा जमा कराया? 35,000 एक बार करवाया, 95,000 एक बार करवाया, फिर 3,00,000 पे आके मैं अटक गया। मैंने मेरे पास और नहीं, इतना जल्दी व्यवस्था बैठेगी नहीं, इन्होंने बार नहीं करोगे तो आपके लिए परेशानी आ जाएगी, क्योंकि जो पैसे लेके आया वो आपका नाम बता रहा, फ़ोन नंबर दे रहा है। मैंने अब ठीक है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैं अपने SP साहब के सम्मुख जाकर पेश हो गया। क्या नाम बताया जिसने आपको फ़ोन कर रहे थे? एक लेडी थी, उसका नाम संगीता था, बोला मैं कस्टम ऑफिसर हूँ, और जो मार्क है जिसका फ़ोन नंबर मैंने दिया है एप्लीकेशन में, वो अंग्रेज़ था, वो अंग्रेजी में बात करता था मेरे से। एक कब से चल रहा था आपके? 2 तारीख से। और कोई चैटिंग भी करी आपने? चैटिंग करी मैंने, कैसे? मैसेंजर पे। क्या कहता था आपसे? मेरे को ये बोला गया कि हम इंडिया में अपने इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हमको आप हमारी हेल्प करो। मैं भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं करूँगा तुम्हारी हेल्प। मैं उस आगे स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।